जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, उन पति पत्नियों के लिए जिनके बीच में हमेशा झगड़ा बना रहता है, हमेशा जिनके बीच में तनाव बना रहता है, किसी ना किसी बात को लेकर के हमेशा झगड़ते रहते हैं। कभी पत्नी झगड़ती, कभी पति झगड़ता है, कभी पति झगड़ता है, कभी पत्नी झगड़ती है। मतलब प्रेम तो समझो खत्म ही होता जा रहा है या खत्म ही हो गया है। बात बात पर तनाव, हर बात पे तनाव। बात कुछ नहीं है पर तनाव है। ग्रह दोष ऐसे होते हैं, ये सब क्यों होता है? ग्रह दोषों के कारण होता है। ऐसे पति पत्नी बिल्कुल चिंता ना करें। आज का मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ, ये प्रयोग यदि आप लोगों ने कर लिया तो आपके बीच में जो शुरुआत में जो प्रेम था ना, जब आपका विवाह होकर के आया था, उस समय जो प्रेम था ना, वही प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा जो विवाह की आपकी स्टार्टिंग में था। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर देखिए, जो भी मैं उपाय बताऊं, इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखें, जो भी मैं उपाय बताऊं, इन उपायों को केवल आप श्रद्धा और विश्वास से करिए। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि श्रद्धा विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी उपाय आपको 100% लाभ देंगे। हाँ, जहां श्रद्धा विश्वास में कमी होती है, वहीं आपको उपायों का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपको ध्यान कर रखना है कि श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि विश्वासो फलदायक, जहां विश्वास होता है फल की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए विश्वास से ही उपाय करें। उपाय बताने से पहले जितनी मेरी फैमिली मेंबर के सदस्य मुझे देख रहे हैं YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करें और अपनी फैमिली को और ज्यादा बढ़ा बनाएं। देखो कि मैं सोचता हूँ जितना प्रेम मैं आपसे करता हूँ, उससे ज्यादा प्रेम आप लोग मुझे करिए, क्योंकि प्रेम ही तो है जो आपको मैं दे सकता हूँ और आप मुझे दे सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, जिन पति पत्नी के बीच में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, बाजार में क्या करना है, कांसे का बर्तन लेना है। कांसे का बर्तन आपको मार्केट में मिल जाएगा, आपको घरों में नहीं होता है, पुराने घरों में कांसे के बर्तन होते थे। हमारे घर में भी है कांसे के बर्तन, पुराने बाबाओं के रखे हुए। तो जिनके घर में कांसे के बर्तन हो तो अच्छी बात है, जिनके घर में कांसे के बर्तन ना हो तो मार्केट से जाकर के कांसे का बर्तन ले आए, बर्तन की दुकान में आपको मिल जाएगा। कांसे के बर्तन में आपको घी भर लेना है, घी भर लीजिए और पता करिए कि अखंड ज्योति कहाँ जलती है। आपके शहर गांव में या कहीं मंदिर में कहीं भी अखंड ज्योति जलती हो, शहर में गांव में कहीं भी अखंड ज्योति जलती हो, आपको करना क्या है, कांसे का बर्तन लेना है, उसमें घी भर लेना है और दोनों लोगों को घी भर के कहीं भी अखंड ज्योति जलती हो वहां पे जाकर के उस अखंड ज्योति में आपको घी को डालना है। बस आप उस घी को बढ़िया डाल के आ जाइए, आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद ही जो आपके बीच तनाव रहता था, सारा तनाव खत्म हो जाएगा, सब कुछ लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा और आप दोनों के बीच दिव्य प्रेम उमड़ेगा और खूब प्रेम रहेगा दोनों में। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा प्रेम से रहें, आनंद में रहें, क्योंकि आप जब प्रेम से रहेंगे तो परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा और बच्चों के फ्यूचर पे भी गलत असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो उसका सबसे निगेटिव इफेक्ट जो है वो बच्चों पर पड़ता है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो और आपके बीच का प्रेम खत्म हो। इसलिए इस उपाय को आप लोग अवश्य करिए। इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी कुंडली जरूर अवश्य एक बार एनालाइज कराइए, क्योंकि आप लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं, आपको फायदा नहीं मिलता। उसका कारण होता है आपकी कुंडली में बैठे कुछ ऐसे ग्रह दोष। इससे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोग एक बार कुंडली जरूर अवश्य एनालाइज करवा लें। उसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझे कॉल करके और मैसेज कर सकते हैं। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, रहते रहते।